प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टेक्निकल शैलेंद्र। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या फिर से पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है 2020 की तरह। यदि संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो क्या फिर से बस ट्रेन और फ्लाइट जो चल रही हैं पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच पीएम मोदी का एक संकेत आया है जिससे हो सकता है कि पूरे भारत में फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर बैठे इससे पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसी बीच कई सारे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी कोरोना को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, लेकिन 3 दिन से लगातार कोरोना के केस में गिरावट देखने को मिला है। तो इसी बीच पीएम मोदी का एक संकेत आया है जिसमें बताया गया है यदि हमारे देश में कोरोना का केस इसी तरह से बढ़ता रहा बहुत ही जल्द हमें पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आप एक वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वो कोरोना पर राष्ट्रीय लॉकडाउन घोषित करें। अनेक राज्यों के अंदर जहां पर कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, लगभग कहीं ना कहीं लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में यदि एक राष्ट्रीय लॉकडाउन किया जाता है तो कोरोना का काफी हद तक हम लोग सामना कर सकेंगे, लोगों को कोरोना से प्रभावित होने से बचा सकेंगे। इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा शायद हमारे भारत में फिर से एक बार संपूर्ण लॉकडाउन लगने की आशंका है। यदि संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो क्या 2020 की तरह फिर से बस ट्रेन और फ्लाइट जितने भी चल रहे हैं पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेलवे की तरफ से कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है जिसमें बताया गया हो 2020 की तरह फिर से भारत में ट्रेन को संचालन बंद किया जाए। कोरोना महामारी इसी तरह से बढ़ता रहे तो हो सकता है कि हमारे भारत में फिर से एक बार 2020 की तरह बस ट्रेन और फ्लाइट पे रोक लगाने की जरूरत पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे रेलवे लगातार काफ़ी सारे स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं, तो कई स्पेशल ट्रेन को लगातार कैंसिल भी कर रहे हैं यात्री न मिलने के कारण। और बिहार में आज से 8 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिस पे पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना संक्रमण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सकता है आने वाले टाइम में पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगे, 2020 की तरह फिर से बस ट्रेन और फ्लाइट की सेवा पर एक बार फिर से रोक लगाने की सोचा जाए। लोगों को क्या लगता है, पूरे भारत में एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए?